हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसएस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं। ट्वेल्थ क्लास एजी केमिस्ट्री और ट्वेल्थ क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 12 दुग्ध रसायन डेयरी केमिस्ट्री के बारे में, और इसमें अपनी चर्चा चल रही है दूध से संबंधित। और देखो, दूध से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ, और वो है अपना दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि पिछले वीडियो में अपन ने दूध के संगठन के बारे में पढ़ा है, यानी दूध का संगठन किस प्रकार का होता है, कौन कौन से पदार्थ कितनी कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, उन सब के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कि इस दूध के संगठन में जो ये अंतर है, गाय के दूध में संगठन अलग है, भैंस के दूध में संगठन अलग है, तो ये अंतर क्यों है, इसके कारण अपन बात करेंगे यहाँ पर। तो बस इन्हीं को अपन चर्चा यहाँ पर करते हैं, तो ध्यान से आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला कारक है पशु की जाति। पशु की जाति, देखो दूध जो होता है उसके संगठन को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर सबसे पहला कारक अपना है पशु की जाति। मैंने आप लोगों को बताया है अलग अलग जाति के जो पशु होते हैं उनके अंदर दूध का संगठन भी क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे एक सामान्य सी बात इसके बारे में लिखेंगे कि स्तनधारियों की जातियों के अनुसार दूध का संगठन बदल जाता है, ठीक है। स्तनधारियों की जातियों के अनुसार दूध का संगठन बदल जाता है, ठीक है ना। जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट, आदि, तो इन सभी जातियों के पशुओं के अंदर जो दूध का संगठन होता है वो अलग अलग होता है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना भाई। इस चीज को अपन पढ़ चुके हैं। अब दूसरा प्रभावित करने वाला कारक है पशु की नस्ल। देखो भाई, आप लोगों को पता है कि एक ही पशु की, जैसे गाय की ही अपन बात करें तो गाय की ही अलग अलग नस्लें जो होती है ना उनमें भी दूध का संगठन अलग अलग होता है, ठीक है ना। जैसे देसी नस्लों की अपन बात करें तो वहाँ पर दूध का संगठन अलग होगा, है ना। बात करें अपन विदेशी नस्लों के बारे में तो वहाँ पर दूध का संगठन क्या होगा, अलग होगा। तो ध्यान रखेंगे पशु की जो नस्ल होती है वो भी दूध के संगठन को क्या करती है, प्रभावित करती है। ये दूसरा कारक है यहाँ पर, तो ध्यान रखें दूध पशुओं की नस्ल, का दूध की मात्रा एवं संगठन पर प्रभाव पड़ता है, जैसे गाय की नस्ल, साहीवाल हरियाणा सिंधी नागौरी, आदि के दूध का
संगठन भिन्न भिन्न होता है, संगठन भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो ये तो अपन ने गाय की बात कर ली, भैंसों की बात कर लेते हैं। तो देखो, मुर्रा भैंस की बात करें और भदावरी भैंस की बात करें तो दोनों में दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, भिन्न भिन्न होता है तथा मुर्रा भैंस के दूध में वसा की मात्रा, मुर्रा भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.4%, 7.4%, जबकि भदावरी भैंस में या भदावरी भैंस के दूध में वसा की मात्रा 11-13% तक पाई जाती है, 11-13% तक पाई जाती है। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप लोगों ने क्या देखा कि पशु की जाति भी दूध के संगठन को प्रभावित करती है। पशु की जो नस्ल होती है, जैसे गाय की ही विभिन्न नस्लों के अंदर दूध का संगठन अलग अलग होगा, भैंस की ही विभिन्न नस्लों के अंदर दूध का संगठन क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला कारक कौन सा है सर? तो अगला कारक होता है प्रभावित करने वाला पशु की आयु। देखो भाई, पशु की जो आयु होती है ना, आप लोगों को पता है, जवान पशु यदि है और एक है बुजुर्ग पशु है ना, बूढ़ा पशु है, तो देखो दोनों के दूध के संगठन क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आयु के अनुसार भी ये परिवर्तित हो जाता है। ठीक है भाई, तो निश्चित आयु के बाद पशु का दूध उत्पादन घटता है। एक निश्चित आयु के बाद पशु का दुग्ध उत्पादन घटता है, दुग्ध उत्पादन घटता है तथा संगठन भी बदल जाता है। यानी आयु के अनुसार पशु के दूध का संगठन क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। यानी तीसरा प्रभावित करने वाला कारक कौन है, पशु की आयु। ठीक है, और कौन कौन से कारक हैं इसके बारे में चर्चा करें। तो अगला कारक है चारे का प्रयोग, मतलब आप पशु को कौन सा चारा खिला रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, पशु को दिए जाने वाले चारे से दूध का संगठन प्रभावित होता है। पशुओं को दलहनी चारा खिलाने से दूध की मात्रा बढ़ती है और बिनोला खिलाने से दूध में वसा की मात्रा बढ़ती है। तो इस तरह से क्या होता है, देखो कि चारा जैसा आप लोग खिलाएंगे पशु को, वैसा ही उसके दूध का संगठन होता है। ठीक है भाई, चलो तो यहाँ पर लिख सकते हैं, पशु को दलहनी चारा खिलाने पर दूध की मात्रा बढ़ती है तथा बिनोला खिलाने पर दूध में
वसा की मात्रा बढ़ती है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि यदि पशु को आप लोग दलहनी, दलहनी मतलब दालों वाला चारा, जैसे कि अपन बात करें यहाँ पर अपने जो होता है चने का चारा आता है ना, सोयाबीन का आता है, तो ये चीज़ें यदि आप लोग खिलाते हैं तो उससे क्या होगा, दूध की मात्रा बढ़ेगी। और यदि बिनोला है ना, कपास का जो बीज होते हैं, यदि उनको खिलाया जाता है तो दूध में वसा की मात्रा बढ़ती है। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं। तो अगला प्रभावित करने वाला कारक है मौसम का प्रभाव, यानी कि देखो अलग अलग मौसम में दूध की संगठन में परिवर्तन आ जाता है, मौसम का प्रभाव। अब मौसम के प्रभाव के बारे में बात करें तो देखो भाई, वर्षा के मौसम में हरा चारा अधिक मिलने के कारण दूध की मात्रा में वृद्धि के कारण अधिक अंतर आ जाता है संगठन में। ठीक है ना, शुष्क अपन बात करें गर्मी के दिनों की, तो भाई गर्मी के दिनों में सूखा चारा मिलता है पशुओं को, इसलिए उस समय उनका संगठन अलग होता है ना, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो क्या बोला है यहाँ पर कि वर्षा के मौसम में, वर्षा व सर्दी भी बोल सकते हो, बात एक ही है, दोनों में आप लोगों को हरा चारा मिलता है। ठीक है, पशुओं को तो वर्षा व सर्दी के मौसम में हरा चारा अधिक मिलने के कारण, अधिक मिलने के कारण पशु द्वारा उत्पादित दूध का संगठन, दूध का संगठन तथा ग्रीष्म ऋतु में सूखा चारा मिलने के कारण दूध का संगठन भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर देख लिए हैं दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कुल 5 कारक अपन ने यहाँ पर देखे हैं। और इन 5 कारकों में कौन कौन सा अपन ने देख लिया है, पशु की जाति अपन ने देख ली है, पशु की नस्ल अपन ने देख ली है, पशु की आयु देख ली है, चारे का प्रयोग देख लिया है और मौसम का प्रभाव यहाँ पर देख लिया है। आगे चर्चा कर लेते हैं कि और कौन कौन से कारक हैं जो दूध के संगठन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो साथ के साथ आप लोग इनको नोट जरूर करते रहें और साथ के साथ इनको समझते भी रहें आप लोग। ठीक है, चलो इसी प्रकार से धीरे धीरे अपन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो साथ के साथ आप लोग इसको पढ़ते रहें, कहीं पर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दें भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं, इनमें से 5 कारक अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब चर्चा करेंगे अपन और कौन कौन से कारक हैं जो दूध के संगठन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इसको भी आप लोग देखिए। चलो अगला कारक होता है आप लोगों का यहाँ पर प्रभावित करने वाला, और वो है अपना बीमारियों का प्रभाव। ठीक है, देखो आप लोगों को ये तो पता है कि यदि पशुओं को बीमारियाँ हो जाती है तो इसका भी प्रभाव दूध के संगठन पर पड़ता है ना, ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है भाई, जैसे बात करें अपन कि थनेला रोग हो गया तो दूध की मात्रा व वसा की मात्रा प्रभावित होती है। ठीक है, रोगों के कारण दूध की सुगंध भी बदल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से भाई आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को, पशुओं में रोग हो जाने से दूध का संगठन प्रभावित होता है।
जैसे थनेला रोग होने से थनेला रोग होने से दूध की मात्रा तथा दूध की मात्रा तथा वसा की मात्रा प्रभावित होती है। वसा की मात्रा प्रभावित होती है। वसा की मात्रा क्या होती है? प्रभावित होती है। आगे बात करें तो रोगों के कारण दूध की सुगंध भी बदल जाती है, यह चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। रोगों के कारण दूध की सुगंध भी बदल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रभावित करने वाला कारक है ब्याज की अवस्था। ब्याज की अवस्था, अब देखो ब्याज की अवस्था की बात करें, ब्याज का मतलब होता है कि जब पशु ने शिशु को जन्म दिया है, ठीक है ना। अब पशु ने शिशु को जन्म दे दिया है, उसके तुरंत बाद दूध का संगठन देखें और कुछ दिनों के बाद दूध का संगठन देखें, तो दोनों में क्या होता है? अंतर होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ब्याज की अवस्था के अनुसार भी दूध का संगठन व उसकी मात्रा परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। अपन बता सकते हैं यहाँ पर ब्याज के प्रारंभिक मंथ, ब्याज के प्रारंभ, मध्य और अंत में दूध की मात्रा व संगठन, दूध की मात्रा व संगठन भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। प्रारंभिक अवस्था में दूध में वसा की मात्रा कम होती है, बाद में बढ़ जाती है। प्रारंभिक अवस्था में दूध की मात्रा दूध यहाँ पर ध्यान रखेंगे, दूध में वसा की मात्रा कम होती है, कम होती है तथा बाद में बढ़ जाती है, बाद में बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये ब्याज की अवस्था हो गई। अगला प्रभावित करने वाला कारक होता है दूध दोहन की अंतरावधि। दूध दोहन की अंतरावधि, अब देखो भाई दूध दोहन की अंतरावधि का मतलब होता है कि एक बार दूध दोह लिया, उसके बाद दोबारा दूध कब बोया जाएगा, दोहा जाएगा, इस दोनों के बीच की जो अवधि होती है ना, दोनों के बीच का जो समय अंतराल होता है, ये भी दूध के संगठन को प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। सुबह के दूध की मात्रा सायकाल के दूध की अपेक्षा अधिक होती है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि सुबह के दूध की मात्रा सायकाल के समय दूध की मात्रा से अधिक होती है। ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात को, सुबह के समय यदि दूध दोया जाता है तो उस समय दूध की मात्रा ज़्यादा होती है और शाम के समय दूध की मात्रा क्या होगी? कम होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगला होता है लास्ट, व्यायाम का प्रभाव।
व्यायाम का प्रभाव। तो देखो भाई, नियमित व्यायाम से पशु के दूध की मात्रा में कमी आती है। नियमित व्यायाम से पशु के दूध की मात्रा में कमी आती है, परंतु वसा की मात्रा बढ़ जाती है ठीक है भाई। तो इस तरह से अपन ने दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले ये 9 कारक पढ़ लिए हैं और ये टॉपिक आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो ध्यान से आप लोग उसको एक दो बार वीडियो को देखकर समझने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।